हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, माई सेल्फ सबा शौकत, PMIC लकपेड़ा बाग, बाराबंकी। बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने मेल का रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट और फीमेल का डेवलपमेंट, यानी कि मादा युग्मक का विकास और नर युग्मक का विकास पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन निषेचन में हमने द्विनिषेचन पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसे हम लोग कम्प्लीटली लाइफ साइकिल कैसे पढ़ते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा ये एक फ्लावर की LS, यानी कि ये एक पुष्प की लंबकाट है, जिसमें ये जो फूला हुआ भाग है इसे थैलेमस कहते हैं, यानी कि पुष्पाधार, पुष्प का आधार जिसके ऊपर हमारा पुष्प रखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की, उन्हें हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और इसके बाद जो कलर्ड लीव्स होती हैं उन्हें कोरोला कहते हैं, ठीक है। इसका मैं पूरा आपको डायग्राम PDF में भेज दूंगी। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें एंड्रूशियम कहते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है। और ये जो बीच का पार्ट होता है इसे गाइनीशियम कहते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है। अब चलिए हम लोग एक एक देखते हैं। पहले हमने देखा स्टेमेन, सॉरी ये एंड्रूशियम हमने देखा, ठीक है, जो कि हमारा मेल पार्ट था। इसकी एक यूनिट यानी कि इकाई को कहते हैं स्टेमेन। इस स्टेमेन के तीन पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब इसके बाद हम इस एंथर की TS यानी कि अनुप्रस्थ काट देखेंगे, तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें चार लोब होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। चार लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जा रही होती हैं, लघु बीजाणु धानियाँ पाई जा रही होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे एंडोडर्मिस होती है, उसके नीचे ये एंडोथीशियम लेयर होती है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि बीजाणु धानी के अंदर जो लेयर पाई जाती है उसे हम लोग टैपेटम लेयर कहते हैं, जो कि क्या करती है, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम देखें तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणु धानी में माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशा पाई जा रही होती है। मैंने आपसे बताया जहाँ कहीं भी मदर सेल नाम आएगा वहाँ पे आपको क्रोमोसोम लेना है 2N। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इसमें दो लेयर्स होती हैं, बाहर की तरफ कटीली होती है जिसे एक्साइन कहते हैं, अंदर की लेयर चिकनी होती है इंटाइन कहते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य पाया जा रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें विभाजन होता है, विकास होता है, जिसके फलस्वरूप ये पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका बनती है। और इस पराग नलिका में दो मेल गैमीट नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था आपके आंसर के लिए कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, नर युग्मक मिल गया। अब हम फिर से यहाँ से देखेंगे फीमेल गैमीट, ये हमने ले लिया फीमेल पुंग स्त्री केसर जिसे गाइनीशियम कहते हैं। इसके पार्ट सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये है स्टाइल, उसके बाद ये है ओवरी, और इस ओवरी में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल का अगर एक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है जिसकी सभी सेल्स पैरेन्काइमेटस या मृदूतक होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूसेलस। इसके पश्चात इसमें से कोई एक कोशा साइज में इंक्रीज कर जाती है, बड़ी हो जाती है और बनाती है आर्की स्पोरियल सेल या मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे आप वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा था वैसे यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल। और उसके बाद जो भी फीमेल का होता है उसे हम लोग मेगा लेते हैं, मेल वाले में माइक्रो लिखते हैं। रिडक्शन डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, चार कोशाएं बनेंगी, चार में से तीन कोशाएं नष्ट हो जाएंगी, डीजनरेट लिखा है मैंने, नष्ट हो जाएंगी और एक फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक बचेगी। इस एक क्रियात्मक कोशा में तीन बार समसूत्री विभाजन होगा, एक बार समसूत्री विभाजन से दो कोशाएं बनती हैं, तो तीन बार समसूत्री विभाजन से आठ कोशाएं बनेंगी। उसके बाद ये आठ कोशाएं यहाँ पर अरेंज होती हैं, अरेंज में तीन ऊपर आ जाती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, तीन नीचे चली जाती हैं जिसमें से बीच वाली को एग सेल कहते हैं और किनारे वाली को साइनर्जिट कहते हैं।
दो बीच में आ जाती हैं, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्र कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अब एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जहाँ से एग सेल निकलती है उसी से कुछ बाहर की तरफ ऊतक यानी कि टिश्यू निकलते हैं जो इसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। इन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, आपको ये फीमेल गैमीट मिल गया यानी कि मादा युग्मक मिल गया, नर मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ से निकल के ये जो नर युग्मक है, ये हमारा माइक्रोस्पोर है, वो यहाँ चला जाता है, जिसे पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, जो जिस टॉपिक को मैं आपको अभी बाद में पढ़ाऊँगी। और उसके बाद इसकी ये पॉलन ट्यूब देखिए इसमें एंटर कर जाती है, इसमें घुस जाती है। इसके बाद अपने ये दो नर युग्मक यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, और ये दो नर युग्मक में से एक ये युग्मक एग सेल से फ्यूज़ करके एन प्लस एन बना लेता है जाइगोट यानी कि 2N, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके बना लेता है एंडोस्पर्म यानी कि 3N। इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और ये है ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है, और ये साइज़ में इंक्रीज़ करता है, इसका विकास होता है और बीज का निर्माण होता है, उसमें एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है, और उसके बाद एक नए पौधे का निर्माण होता है, उस पौधे के ऊपर नए फूल निकलते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। ये आज की क्लास थी क्विक रिवीजन की, और इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो में आपको इसके बारे में और भी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।